अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने खानदान को और अपने आप को डिफेंड करूं, जिसका मैं हक रखता हूं। मेरे खानदान के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है, उसको मैं भरपूर तरीके से डिफेंड करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक डिफेंड करूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूं। तो आज मैं अपने अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रख के, और हमारी किताब कुरान पाक को हाजिर नाजिर रख के हल्फन ये बात कहता हूं कि मेरी और सायरा की अलैदगी 2019 अगस्त में हुई, सेपरेशन, और उस अलैदगी की वजह कोई औरत नहीं है, सदफ नहीं है, इनफिडेलिटी नहीं है। अगर ये इमेजिनरी वर्ल्ड जो इस वक्त बना हुआ है वो ये जानता है कि हमारी अलहदगी की वजह चीटिंग है मेरी तरफ से, कोई और औरत है, तो आए प्रूफ करें, मैं चैलेंज करता हूं, और आए और हल्फन मेरे सामने बैठ के प्रूफ करें, फिर मजा आएगा, क्योंकि इस तरह मैं अपने खानदान के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी आखिरी दम तक डिफेंड करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ताकत है, मेरे अंदर भी जान है। जब मेरी सायरा से अलहदगी हुई, उसके 3 या 4 महीने बाद मैं काम पे सदफ से मिला, जिस तरह मैंने पहली वीडियो बनाई जिसको अब तोड़ मोड़ के एडिट किया जा रहा है, और हल्फन कहता हूं उस वीडियो में एक भी बात झूठ नहीं है, क्योंकि सदफ उस वक्त मेरी सिर्फ कॉलीग ही थी और सायरा उस वक्त मेरी बीवी थी, लेकिन हमारी अलहदगी हुई भी थी। उसके बाद, उस वीडियो बनाने के बाद, मेरी और सायरा की कोशिश हुई कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन जिस बात पे अलहदगी हुई थी, जो कि बहुत पर्सनल मैटर है मेरा और सायरा का, वो बात हमारे बीच में सॉल्व नहीं हो पाई। तो मैं नहीं चाहता था तलाक देना, बिल्कुल भी नहीं चाहता था तलाक देना सायरा को, लेकिन क्योंकि वो मसला हमारे बीच में सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम दोनों ने मुबारात के जरिए फैसला किया तलाक का, क्योंकि मैं खुद तलाक नहीं देना चाहता था, और खुला में बहुत कोर्ट कचहरी होती है, तो हमारे बीच मुबारात हुई और हमने बहुत डिग्निटी के साथ एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार की। उस वक्त सदफ के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था, ठीक है जी? अब बात आई कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। यह वीडियो मेरी बेटी के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मैं एक बहुत खूबसूरत बेटी का बाप हूं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। आज से 5 या 6 साल बाद उसकी दोस्तें और वो खुद बैठ के शायद ये जो आप सबने चीजें बोली हैं देखेगी, और ये जरूर पूछेगी कि बाबा व्हाट इज दिस। तो मेरे पास ये वीडियो होगी और ये मेरा हल्फ होगा जो मैं कुरान की कसम खा के कह रहा हूं कि बेटा Look what I said in return. तो वो भी proudly ये कहेगी कि मेरे बाप ने ये कहा और चैलेंज किया सबको, एक एक उस बंदे को जिसने मेरे बारे में और मेरे खानदान के बारे में और मेरी बीवी सदफ के बारे में कुछ बोला है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई प्रूफ लाए और हल्फन मुझे बोले, प्रूफ भी नहीं लाए, चलो हल्फन मुझे बता के बोले कि मेरी सायरा से तलाक, अलहदगी एक औरत की वजह से हुई। नो, जब तक मेरे अंदर दम है, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं सच बोलूंगा और अपने खानदान को डिफेंड करूंगा। बहुत लोग चाहते थे कि मैं चुप रहूं और ये बात मेंटेन करूं कि चलो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन नहीं, आजकल चुप रहने में कुछ नहीं रखा। जब तोहमत लगाई जाए तो आइए फिर प्रूफ भी करें इस तोहमत को, फिर मैं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।